इसे देख लो लाट साहब को कैसा पड़ा सो रहा। अरे खड़ा हो जाए परकू, कुछ काम धाम भी कर ले, खाने का सोने का काम ना है। तेर कोई कह रही हूं, अरे उठ जा, अरे उठ जा परकू, कुंभकर्ण की तरह खावे और उसकी तरह ही सोवे है। इसके कान पे बाजा बजा लो, इसे ना सुना यारी बिल्कुल भी। बड़ा जन्म दुखी है, कोई नू कहेगी और सुसरी सोतेली माँ है चिल्ला रही है बालकों पे, पर इनके हुनर कोई ना देखता। अरे खेत पे को चला जा, उठ जा, इसके जैसा बेशरम मन ना दुनिया में कहीं ना देखा, जैसे इतना बेशरम यू है। अभी तो सुनाई भी आ रही होगी, क्यों रोले दे रही, रोले दे रही। हाँ। सूरज देख लो कितना चढ़ रहा, सोने का टाइम है अब तक यू। फिर नू क्या वह, नू का क्या वह इन्हें। अरे उठ रहे, तेरे कहने से तो बड़ा जल्दी बैठा हो गया, मैं जब से चिल्ला रही मेरे कहने से एक बेर भी ना उठा। अरे तू ठान गिरा ठाई ना रही थी, कोच रही से हमें कहा, हमें पता बढ़िया बात ना होती है जो कर तू हर टाइम कोशिश हुई जा, कोशिश हुई जा, यू भी तेरा ही है अनुमान दे। मेरा होता ना तो ये एक आवाज में उठ जाता, मैंने पहले प्यार से ठाया रहा, खड़ा हो जा, इसके ना कान पे भी जू चली। मैं तो मंत्र तक सुनने लग रहा, गाड़ में तो कभी हाथी बता रही कभी कुछ बता रही, ये बढ़िया बात नहीं होती बालकों को। हाँ कहते उठ गए, कुछ खाना हो तो खा लेना, तो खेत पर चला जा, बुग्गी जोड़ के निहार लिया। पिताजी के है यू यार, सोड भी ना देते था के बताऊं, सब मेरी गलती। सुवाले सुवाले बैठता सुवादे से दबोड़ के सुवादे, अभी नींद पूरी ना हुई है। हाँ अब के करूँ बताओ। अरे जुकर तेरी माँ कह रही वो सुन ले, तू भी बात को फंसवाऊ रखे खामा खामा से, तेरी डबते सुननी पड़े से। मैं ना हूँ इसकी माँ, इसकी माँ होती तो ही मेरा कहना ना मानता। पिताजी तुम भी तो ढंग से बता रहे हो, तुम भी तो ढंग से समझा रहे हो, ये एक घंटे से चिल्ला रही कान पे, दो मिनट को आग लगी, क्या 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 करती रहे बस बस, गणा ना बोलो, चिल्लाना दिख रहा है इसे तो, उठाने को कह रहे हैं तो चलो काम को मत कहो, नौकर लगा दे इस घर में दो चार, ऐना खवार सुआ। अरे मैं कह नहीं सकता, मैं इतना परेशान हूँ। चप्पल कहा मेरी, ये रील नुई बोल रहा है, जुकर तू बोल रहा है आधे काम तो तू गलती कर रहे, जूते पहन रहे हूँ खेत में जा, देख ले जहाँ काट दी होगी वही होगी चप्पल, हम पे क्यों कर रहा, चप्पल कहाँ, चप्पल लियो बैठी हूँ मैं तेरी हाथ में या नवाब की। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। तुम चुप रहो पर, हाथ जोड़ के कह रहे हो, तन्ने तो आदत खराब कर रखी है इनकी, तेरे तो हाथ ही जुड़ते रहे हर वक्त, हाथ ही जोड़ते जोड़ते मर जाएगा नहीं। चुप कर दे तू, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी ससुराल, परमात्मा पता नहीं कहाँ पूरी करवा दे, तुझे तो कोई दिक्कत ना। मुझे क्या दिक्कत हो रही, काम को ना कहूंगी इनसे, मुझे बहुत दिक्कत। तो तुम नू कह दो इनसे क्या भाई मत, मैं भी अपने बाप से पैदा ना जो इन्हें नू भी कह दो, ससुरे को हंसा उठ के यहाँ बैठ जा, क्या नहीं फिर बिल्कुल भी, एक बार क्या कर दे कि ना क्या मत कुछ। मैं कहने को नहीं ना रहा, उसे भी क्या लगे दूसरे को जोन से तेरा, उसे कौन सा पाल की मैं जुगार झुला रही हूँ, मैं उसे भी कहूंगी, उसे क्यों ना कहूंगी। उसे तो मैं ना देखी, तू डर बोलती हुई डर तो ना बोलती तू, सीएल जब वो ना सुनेगा ना कहना तो कहना, उसमें ससुर में जूत मारूंगी लिकाड़ के, वो सुन ले एक बेरा के कहने से। अरे ये फर्क हो मौसी का, क्यों हमें खा अपने सिर बुराई ले रही, वो जिब भी इस घर के अद्धे का है पर तू खा में खा बुराई ले। मैं ना अद्धे त्याई को छाती पे धर के ले जा रही, इनका ही है दोनों का ही, ये मैं किसी और को दे दूंगी कहीं और जाने के, जी मैं मेरे एक भाई वहां ले जा जा तो वहां दे दूंगी ले जाके, इनका ही है सब कुछ। तुझे तो दिखे बस ये बताऊ तो छोड़ क्यों, कह दे जो मन में कह दे। कहने की तो यही बात है कि समझने की है कि तू पता नहीं क्यों क्यों नहीं वो तुझे फुटियां सुहाता। मैं कह हुई ना वो सब अपना आप कह ले तेरा लाडला बेटा, मैं ना कहूं कैसे। अरे दोनों लाडले मेरे तो, तू खाना हाँ। खा की बात तू समझ ना, वो ये तेरा लाडला तेरे आगे हाथ जोड़िया कुछ आमंद करके कह ले, यही बात समझ में नहीं आती। खाने के काम है इसमें, कुछ काम ना है के घर में, जो काम को ना सुनता ही हो खा के लिया इसने, खावे ये घर में और के, जब काम होना करता तो एक बुग्गी बनवा दूंगा उसकी, उसमें जोड़ दिया करूंगा तो सबर आ जाएगा,
मौसी का फर्क है ही और कुछ बिना काम काम की बात करी। जाओ चले जाओ खेत वेत पर करवा लो कुछ काम, ले जाओ सफन लाड ले को गैल। इतनो ही सोचता रहे कि मैं फर्क करती रहे। अरे मैं फर्क क्यों करूंगी, मैं तो काम कोई तो कह रही हूँ, मैं तो दोनों को ही कहूंगी। ऊना करेगा तो उसे कहूंगी, यू ना करेगा तो इसे कहूंगी। फर्क तो अपना आप करता रहे, मैं क्यों फर्क करूंगी इनमें। दूध का टकरी होगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पानी पी रही थी। रहन दे, तू कैसा पानी पी रही है, मुझको तो तू चाय को भी ना बूझती। घर में पड़ी बड़ी दूध पिए जा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप चाय के लिए बोलती तो मैं चाय बना देती आपके लिए। दिखा इसमें कैसा पानी पी रही है, अब पी रही होगी पानी, दूध पीती ना तू। माँ जी मैं आपसे बिना पूछे कभी दूध पीती हूँ? हाँ तू तो सारे काम मेरे से पूछ कर है, मेरे से बिगड़ पूछे तो कुछ भी नहीं करती। तू खाती ना कुछ भी, बिगर खाए हो रही है तू तो कोठला से। तू कहाँ खावे, तू तो पीछे को रख दे, मैं ही खा जाऊं इस घर में सारा कुछ। तू नहीं खाती इसमें कुछ भी? माँ जी एक पानी पीने पे आपने मुझे इतना सुना दिया, अगर मैं दूध पीती तो आप मुझे कितना सुनाती माँ जी? खबरदार जीभ चलाई, पानी पी के ही हो रही है तू इतनी कोठला से। काम ही क्या है मुझे तो सुनाने का काम है, खसम भी तेरा नू कह रहा है सुना रही है मुझे सवेरे सवेरे, तू भी नुई कह रही है सुना रही है। काम ही क्या मुझे सुनाने का काम है, काम को ना कहूं तुम सब बुझ जो ना, तुम क्या खा पी रहे। माँ जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दो। कह रही ना चुप खड़ी रह, तेरे से कही कह दी मैंने, मैं नुई तो बूझ रही, दूध पी रही है पानी है, लेक्चर दे रही है मुझे। कुछ भी मत मांगा, कहने कहने में बड़े रहो तुम। कितने तुझे कितने चाह, बेकार की बात तो करे करो मत, नू तुझे कितने चाह। मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रहा, तू बता बालक कोई सा भी ना आया? ना यहाँ ना आज कोई सा भी। अच्छा जब तो लौट गई मम्मा की कोई ना, तो मैं तो सो गई थोड़ी देर, नींद आ गई। मैं ही गलती करी, तू ठहरी दिखे ले ये 1,00,000 रुपये। फिर कैसे करूं इन्हें? बदर ले ये तेरे ही हैं। मेरे? हाँ। ओहो नहीं मेरी हथेली खुजा रही कि आज पैसे आवेंगे। हाँ। किस बात के 1,00,000 रुपए? ये इस बात के 1,00,000 रुपए। पहली तो बात यह मैं कदी भी नहीं मांगने का, तेरे पता है। अच्छा। इनका तुझे जो करना वो कर, ये तेरे ना अपने खाते में गिरवा ले या अपने धोरे धर ले, कुछ भी कर। पर रही बात तुम गुजरी कहीं के, ये इस बात के हैं। हिमांशु को कभी परेशान मत करिए। हे भगवान थारे दिमाग में ही क्यों ना आती बात ही हो, मैं उनकी माँ हूँ, मैं उन्हें क्यों परेशान करूंगी। चलो खैर यह मेरे पे अरे दो भैया दोनों का आधा आधा हिस्सा, मैं क्यों परेशान करूंगी भाई, मैं काम को ही तो कह दूंगा ना। फिर भी कोई ऐसी बात हो जाए, मैं तो उस वजह तक कह रहा, मैं नू नहीं कह रहा, तू कोई फर्क कर दी वो तो फिर भी मगा चल भाई, मैं दे दी अपनी दब कर खुश रहेगा, खुश रख। चलो ठीक है दे रहे हो तो रख लो मेरा सी। हाँ बस ध्यान रखिए, परेशान मत करिए, ठीक है। ये क्या सोचने लगी? मैं यूँ सोच रही हूँ 1,00,000 रुपए दे के और तुम ऐसा कह रहे हो जैसे सारा जहां मेरे नाम कर दिया हो, है? नहीं ये क्यों परेशान करूंगी, मैं ना परेशान करती। और तुम कहते हो कि उसे काम को मत कहते, मैं तो नहीं कहने की काम। नहीं काम को पर थोड़ा बोलने का जो तरीका है ना उसमें अपनापन होना चाहिए। देखो तुम्हें पता मेरा जिला कौन सा, बागपत साइड के इनकी तो खड़ी भाषा,
अब तो मैं लग रही है बुरी तो लगे जा, मेरी तो खड़ी भाषा, मैं तो ऐसे ही बोल लूं। बोल तो कैसे ही ले, उसमें अपनापन होना चाहिए, समझ गई ना? तो तुम्हें लगता ही ना अपनापन उनमें, अगर भाई हाँ मैं, मतलब मेरे बालक है, मैं अपनापन दिखता ही ना तुम्हें मेरे में? कहीं ना कहीं झलक ना जा, बस मैं कहना चाहूँ। ठीक है ना झलकने का, और जो भी कुछ चाहता हूँ वो बता दिए, बस इस बात को बचाना है, अपनापन तेरी हर बात में नजर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ना कहने की अब सब कुछ नहीं, नहीं को, मैं नहीं कह रहा ना कहने की, को पर इस तरीके तो को, जिस तरीके तो तू धाकड़ को कह, वही ले जा रख। मेरा कहने का मतलब यू है, मैं नूना कह रहा हूँ, और 1 लाख रुपए में वही दे रहा तुझे, और चाहेंगे और बता दी। मुझे पैसे से मत, नू सोचा है कि मैं पैसे दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, पैसे की भूखी ना हूँ मैं। पैसे तू अब ले ले अपने 1 लाख रुपए, मुझे ना जरूरत है 1 लाख रुपए नहीं, ये धरे रहेंगे मेरे द्वारा, मुझे जब सब चीज खाने पीने की तो मैं कहाँ ले जाऊंगे पैसे, इनको सब यही रहा होगा। कहाँ कहाँ की बात करी, छोड़ ना मन जी इस बात। चलो ठीक है। हाँ। अब चाय तुम लारे बना के मैं बनाऊ, बच्चा अभी मैं ही ला दूंगा, सारी जिंदगी चाय मैं पिया दूंगा, तू जो कुछ कहेगी वो कर दूंगा, पर राजी रहे। ठीक है, ठीक है भाई। घर मानस थी तो मानस ही दुखी हो तो फायदा क्या है उस घर का, यू काम हम करेंगे पर रहो खुश। इसके दिमाग में बात घुस रही है कि मौसी है और मौसी नफरत करे बच्चों से। अरे मैं क्यों नफरत करूंगी, मैं तो काम धाम की तो क्या हूँ ना, पता नहीं इनके दिमाग में क्यों ना आ रही है बात। ओए मैं सुन सुन, 1 मिनट आ लिए। हाँ जी, आ जा, ठीक बात। बैठो। बताओ पिताजी क्या कह रहे हैं। बताऊंगा, बैठ जा बेटा तू भी। नहीं नहीं पिताजी बोलो। अच्छा, कपड़े उपड़े ले? कपड़े के ले ले गए पिताजी, गए ये दुकान बंद पाई। अच्छा चल फिर ले ये। ठीक है बेटा, और एक बात बता, तेरी मम्मी कुछ कहती तो नहीं तुझे? नहीं नहीं पिताजी, वो मुझे कुछ नहीं कहती है। अच्छा अच्छा, चलो खूब सेवा कर बेटा उसकी है। हाँ वो बहुत बड़ी आदत की है, कभी कभी थोड़ा सा है कड़वा पड़ना था, पर ये सब बात सब निभाया करें। ठीक है पिताजी, वे तो मेरी गैल करें बस। कोई बात नहीं, एक बात, एक काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बीडी भी सुसरी जेम भी बीडी रहे, ये पकड़। ये कैसे है पिताजी? बस धर लो तुम, दे रहा मैं तुम धरन खाते। पिताजी जब तक आप हो हमें इन पैसों की क्या जरूरत है? अरे कोई नहीं बेटा, रख ले कोई बात। पर पिताजी क्यों दे रहे हो आप ये? अरे धर ले, हम तो कह रहे देने का क्या, मेरा जी कर रहा नु दे रहा मैं तो। कोई बात तो होएगी। कुछ बात नहीं, तुम मान ले जन मेश के नाम कर दिए। कितने है ये? 1 लाख है। 1 लाख? और के पिताजी 1 लाख रुपया? हाँ, मतलब किस बात के लिए दे रहे हो आप हमें? धरन के लिए दे रहा। धर तो लेंगे ही। हाँ धर लो, धर के कुछ करेंगे भी इनका? करने की बताऊ, एक ही काम करना बस। बताओ बेटा, तुझे मैं समझा रहा हूँ, करना यू है, तेरी मम्मी कुछ भी कहे उसको माइंड नहीं करना, ठीक है ना? यू काम कर दो बस तुम, बाकी मैं तो कुछ नहीं चाहता। पिताजी मैं तो माँ जी की बात का कभी बुरा नहीं मानती हूँ, अगर वो मुझे कहती भी होंगी तो मम्मी समझ के तो कहती होंगी, कभी मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। और आप ये जो पैसे दे रहे हो ना पिताजी, इसकी हमें क्या जरूरत है जब तक आप हो? अरे नहीं बेटा तू इसे धर, चल जब मैं दे रहा हूँ। पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल धर ले जब कह रहे हैं पिताजी। हाँ और बस मेरा कहने का मतलब यू ही है, बहुत प्यार से रहो, जितने ज्यादा प्यार से रहोगे उतना ही ज्यादा तरक्की हो। कोई बात नहीं रख ले बेटा, तेरे काम आ जाएंगे कहीं।
कोई नहीं मांगे तेरे को, तब बेफिक्र ठीक है। अरे काम करिए, कहीं होशियार भी ना बनी है, कद बताया था किसी को मेरे पे 1,00,000 रुपए है, अपनी बात कुछ कोर्ट की भी रखा करे। ठीक है पिताजी। सुनिए पहलवान। हाँ पिताजी। कहाँ चले? खेलने जाऊँ पिताजी। खेलने जा? हाँ। यू बास काट ले, जब चले जाइए खेलने। दोस्त बाट देख रहे हैं मेरी। इतना बड़ा खिलाड़ी ना, तो तेरी बाट भी देख रहे। एक बात बताऊँ, यू टिक्का चोखा ना लगता, टिक्के वाले पे घना भरोसा ना करते मानस। सुन गया? ठीक। और हिमांशु जो कुछ कह रहे उसका कहना मान ले कर। सारा कहना मान लू मैं तो। हाँ बड़ा भाई है वो तेरा। हाँ भाई तो मैं मान लू। भाई मानना धुर लो। धुर लो? हाँ धुर लो भाई मानना। बिल्कुल ठीक है ना। और एक बात और बताऊं तुझे। हाँ। तेरा ब्याह हम ही करवा देंगे बिना टिक्के ही। पर टिक्का अच्छा सा लगा है मेरा। अच्छा तो मतलब कुछ जमा रहा बात को है? वैसा ना जमा रहा, ब्याह तुम ही करोगे मेरा। ब्याह तो मैं ही करूंगा, हिमांशु की साड़ी गेल करवा दो। आरती से? हाँ। की बात मान गए तुम तो मेरी। दोनों भाई तुम और वे भी दोनों मान है। बिल्कुल। अच्छा तो मैं जाऊं बाट देख रहे। घना तावड़ा चले तो लिकट जान तुम ये ससरे कोई बीता बहुचारी। कितना काम करना पड़ा है घर का, और घर के न्यू कहवे काम नहीं करता। माँ न्यू कहवे काम नहीं करता, सारे काम मैं करूं। अरे भाई मुझे भी बता दे कर काम। अरे भाई तू अपनी मर्जी से कर लेगा जो करना हो। अरे पिताजी नू कहवे तेरे ते पूछ लेकर काम। अरे माँ से पूछ लेकर, माँ मुझे तो काम बताए जा, तुझे ना बताती है काम। मतलब तू बता ना काम, हम अपनी माँ से ही पूछ लेंगे। पूछ लिए तो अरे भाभी आपको ही लगी रहे तू भी काम में, मुझे बता देकर कुछ काम। इतना काम कहाँ है देवर जी, मैं तो खुद ही कर लूँ, इस बहाने टाइम भी पास हो जाता है। एक बात बता। हाँ जी। पिताजी नू कह रहे कि आरती ते ब्याह कर ले, बता मैं ब्याह लायक हूँ? हाँ तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है मेरी बहन में? दिक्कत तो कुछ भी ना है, तो बढ़िया। पर अपनी बुब्बो ते एक बार फोन ते ही पूछ ले कैसा हूँ मैं, उसके लायक हूँ भी या ना। उसे तुम पसंद हो पहले से ही, वो कहती तो ना मुझसे है। हाँ। तो फिर एक बार बात करवा दो। वो मैं करवा दूंगी और मैं खुद भी घर में बात कर लूंगी। जल्दी से कर लियो। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तो मेरा ब्याह हो ही जाओगा है। तो क्या हो गया, ब्याह तो हो नहीं है आज, नहीं तो कल। आए हाय भाभी, जब तक तू है और मेरी बहू भी है। तेरी बोबो? हाँ हाँ। तू तो भाभी है, दिक्कत ना ले। कोई दिक्कत बना मुझे बताइए। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा हाथ तो छोड़ो। ओ मैं सोची तेरी बोबू आ गई, फील फील में ज्यादा ही आ गया मैं, आ जाओ। ओहो इतनी भी जल्दी क्या है देवर जी, बात करवानी है अभी। चलो ठीक है मैं कर लूंगी बात, मुझे काम भी करना है और। ठीक है काम बता देकर मैं भी कर लूंगा काम। पिताजी फिर न्यू कहे तू काम ना करता, किसी तक पूछ लेकर भैया भी कहे। कोई बात ना, पिताजी तो कह रहे हैं घर का काम ही कितना, इस बहाने मेरा मनसा भी लग जावे। ठीक है पर पिताजी को तुम थोड़ा सा नू समझाओ, ये टिक्के की लेकर कोई बात ऐसी हो रही है। क्यों पिताजी क्यों मना करते हैं इसको? नू कह ज्यादा हीरो बन रहा, देखियो अच्छा सा ना लगता। और क्या अच्छा आता है इससे तो लोग, क्या हो गया समझियो तुम पिताजी। बिल्कुल बोल दूंगी। चल ठीक है। रीमा एक बात बता, अगर मेरा ब्याह होने लगा तो तू रोक तो ना करे? अरे भले मैं क्यों रोकूंगी, और तू पढ़ लेना पहले, ब्याह की क्या जल्दी लग रही तुझे? अरे पढ़ तो ब्याह के बाद में भी लेंगे, पिताजी कह रही। देखी जूते पैर के ऊपर बैठा लग रहा, तुझे तो ज्यादा खुशी हो रही है ब्याह की, जितने नहीं पता ना लग रही मैं जूते पैर रहा है ना। जूते पहन के नीचे कोई बैठूंगा। क्या कह रहा तेरे बाप? नू कह रहे आरती ते ब्याह के लियो, बता हूं मैं उसके लायक? तेरे से ठाड़ी है, दो गोड्डे घेर के बैठ जाएगी तेरे ऊपर चढ़ के, ये बता रही हूँ बाप। कोई बात ना, उसका मोटापा थोड़ा सा मैं अपने पे घेर लूंगा। करवाएगा तब या हो जाता तो मेरा भी थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा सा पढ़ता मैं फिर भी लूंगा ब्याह के बाद। करवा ले।
रोक टोक है नहीं। अरे मैं क्यों रोकूंगी, पटा ले अपने बापू को, सही है तेरा ब्याह कर रहा था अपन, ठीक है। बापू तो दिल की बात कतई समझ गया, गेल डायरेक्ट नु गई हिमांशु की साली ते ब्याह करवा दी, ठीक है। और माँ पिताजी को एक बार तू भी समझा दे इस टिक्के के बारे में कुछ ना के। मत लगा कर टिक्का। ए अच्छा लगे यू मेरे। अच्छा लगा? हाँ। ये टिक्के विक्के लगाने से कुछ ना होता, काम कर लो, काम काम करने से होवे जो भी कुछ होवे। कोई बतावे मुझे काम? अरे बताने से ही होवेगा काम, तुझे नहीं दिखाई देता जो काम दिखे उसे ही कर लेगा। या सबको अलग अलग बताऊं, वो बड़ा तो सुनता ही ना, तू तो कर ले कर भी करके। वैसे आज लो मुझे कुछ काम दिखाई तो दिया ना, उससे पहले तुम सब कर लो, पर आज एक काम दिखाई दे रहा, कहे तो कर लूं। तो कर ले फिर, कौन सा दिख रहा काम? दिख रहा ब्याह का, ब्याह ही कर लूं। ब्याह कर ले तू पहले, ब्याह कर ले। ब्याह हो जाएगा तो तू भी कांचे काटेगी, तुझे भी काम हिल्ला करने की जरूरत ना, वैसे भी ना करती, वैसे तो बात भी बढ़िया ही मारे। काम ना करती रहा मैंने कम में। काम करे है तू भी, और कौन करे इस घर का काम? फिर महारा के फायदा हम बाढ़ रखे तो हमें कर लेंदे, कर तू तसल्ली दे बैठा करना, पिताजी मेरे पर फिर छो होगा। जा देख ले कुछ काम हिला करते, डांगरों का नियार व्यार वो बड़ा लिया है, दिखे नियार तू गेर दन के काट पीट के, चल चल करूं बातों का ही खा रहा है बस, यहाँ कर दो इनके। अरे पानी ले एक गिलास। अरे लिया, कहाँ रहेगी? देख अब तो मेरे याद आ गई, यू सिड्डी इतने दिन से जा रही, आगे से दे मत दिए, लिख के लोग देते ना। ठीक है जी। अजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बता क्या बात है? आज ना मैं सानी कर रही थी ना। है? मैं सानी कर रही थी आज। है? तो उस टाइम धाकड़ आए थे मेरे पास में। अच्छा। पिताजी ने उनकी रिश्ते की बात करी है। किससे? मेरी छोटी बहन से, और वो भी उसको पसंद करती है। अब बताओ क्या करूं मैं। अरे यू मामला कब सेट हुआ? अजी मामले वगैरह की तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिताजी ने कहा तो कुछ हिसाब बना के ही सोच रखा होगा। अरे अब मैं क्या बताऊं, जो पिताजी ने सोचा होगा ठीक सोचा होगा, और मैं क्या बताऊं, तू माँ से पूछ ले, माँ ही तो करे हर बात का फैसला। ठीक है जी, लेकिन पता है आपको, मैं माँ जी से पूछूंगी, कहीं माँ जी मुझ पे गुस्सा ना हो जाए। क्यों हो जाओ गुस्सा, बात करिए तू, ऐसा ऐसा बात है जी। चलो ठीक है, लाओ गिलास दे दो, मैं अंदर जा रही हूँ। ले, और आगे शिड्डी विड्डी मत दे दियो किसी को। ठीक है। तोड़ के धर दी मेरे ससुरों ने, पैंट दूसरों के चल रही, सिड्डी मारी लेके जा रहे हैं, हराम की समझे हैं साले। माँ जी तो सो रही दिखे हैं, वही टाइम है माँ जी को मक्खन लगाने का। कर दे नींद खराब, जब मेरे पैरों में दर्द रहा जब तो तू मेरा पैर ना दाबती, अब तू सोती भाई के मेरे पांव दाब रही है। माँ जी मैंने ये सोचा आप थक रही होंगी, इसलिए मैंने आपके पैर दबा दिए। हाँ बता क्या बात है? माँ जी वो मैं ये। अरे कुछ बोलेगी भी वो जी करे जाओगी, कुछ बकेगी भी, बोल जल्दी क्या बात है? माँ जी वो मैं ये कह रही थी, मेरी छोटी बहन है ना आरती। कैसा करूँ उसे? माँ जी वो धाकड़ जी से ना पिताजी ने बोला था आरती के रिश्ते के लिए, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ इस बारे में। धाकड़ का भैया तेरी बहन से? मोटी कितनी हो रही है वो? धाकड़ पतला सा हो तो नहीं मोटी हो रही है? कोई बात नहीं माँ जी, जोड़ी तो ऊपर से बन के आती है, हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता। और कही किसने ब्याह को? धाकड़ ने तेर से? धाकड़ जी भी कह रहे थे, और पिताजी ने धाकड़ जी से कही है, वो बता रहे थे मुझसे तो धाकड़ जी आके। कि पिताजी कह रहे ब्याह को? हाँ जी। तेरे पिताजी का मुंह फूट रहा मेरे से कहने को, मेरे से तो ना कही उसने कि धाकड़ का ब्याह उसकी साली से करवा दे। माँ जी बताई तो पिताजी ने भी नहीं मुझे ये बात, मुझे तो धाकड़ जी बता रहे थे, इसलिए मैंने आपसे बात करी इस बारे में। कोई बात ना, ब्याह तो कर लेंगे, पर पांच चीज तो मुझे आनी चाहिए, और छोरे को आनी चाहिए अंगूठी चैन, दहेज का सारा सामान आना चाहिए। कभी सोच रहे हो कि भाई बड़ी छोरी वहां दे रखी है, छोटी को भी नहीं पीछे से नहीं ताड़ दे। ठीक है माँ जी। हाँ
मैं अपने पिताजी से बात करूंगी इस बारे में। डाल दी अपने बाप के कान में ये बात, जा वो मेरे मुंह के देख रही है, करो ब्याह की तैयारी। ठीक है माँ जी। चलो फेरे तो फेरने हैं, छोरी तो वैसे ठीक है, पंसी मोटी है, मोटी तो यू भी है, खा खा के हो रही है नीरी, दूध मारे ही तो भर भर के गिलास नू हो रही है मोटी। बैठा हुई है तन्ना, अच्छी बात है। नू बता दे मुझे, तुझे ब्याह की बात ही छोरे से बहू से कर रहा, तेरे पे मेरे से कितना जोर पड़ा था। मैं कौन सी ब्याह की बात कर रही हूँ? मैं कौन सी बहू बता रही है मुझे, तो जाके मेरे बहन के रिश्ते कह रहे हैं धाकड़ से। ना मैं तो ना कह रही, ना कह रहे धाकड़ से भी ना कही। धाकड़ मजा कह रहा, धाकड़ को तो थोड़ी बड़ी मान दी, धाकड़ मजा नू कह रहा मैं मेरा ब्याह कर दो टिक्का लगाओ, वरना मैं धमकाया भी था वो नू कहता इसकी मानसी की साड़ी तो हो जाएगा मेरा ब्याह। वो तो आप ही लगा रहा नूंगे तो नूंगे धाकड़ का ही चल रहा है सारा षड्यंत्र। कर दे कर दे इसका ब्याह, मुझे तो गुस्सा आ गया एकदम से, बहू ने बताई मेरे से, तो पिताजी कह रहे धाकड़ से उसकी साली से ब्याह करवा दे। तो उदगाना बेटिया मैं तो सलाह दूं तुझे, दोनों भाई हैं ये दोनों से की बात ठीक चलेगा, कर दो ठीक है। ठीक है ना? हाँ हो फिर कर का परख दोनों का। ये तो घना तेज लिख दे धाकड़। बहू बता रही है मुझे तो। अच्छा धाकड़ बता रहा नु पिताजी कह रहे हैं तेरी बहन से करवा दे। सारे तारा आप ही धाकड़ तेज चल रहा है आजकल, तेज चल रहा देख ले है कि तेज कर दी तजनु बता दे अखनु को बप्पू कर रहा है। हां मुझे तो गुस्सा आ गया था एकदम, वो तेज आ रही ये तो हुई मां करो दे। इसके बाप से बात और फिर अपना फेरो इनके फेरे, छुट्टी करो बस चल पड़ेंगे कि पूछ लेंगे। और ना वो कह रही थी आवेगी मैं काट लेनी बाबू से, मैं कर तेरी से मैं निगा पिंगा मैं क्या काटनी है, उंगाई वाला काम है नुका तेरी मेरी राज्जी क्या करेगा मुल्ला काजी, जब ससुरे की इसकी राज्जी हो रही तो मोटी हो झोटी हो अपना फेर के फेर दे धक्का पर को। ठीक है धनी बेटी। हां मेरा मतलब मैं नहीं बिगड़े रे धक्का पर मैंने कह दिया बहू से, मैं कह दी पांच चीज तो मेरी चाह और छोरे का अंगूठी चैन चाह और जो घर का सार दहेज है वो चाहिए, कह दिया मैं अपने बाप से इतना देव है आ तो कर लेंगे रिश्ता, ना तो वो अपने घर और हम अपने घर। जो कुछ तू कहेगी चुपचाप हमें बता, बता दी बस मैंने। या दहेज मनाया थी या भी करती है उनसी तो पैर बेटी जी, कमी नहीं मेरे खाना खा की अड़वी होने लगी दूसरे के आगे कह के मांग के मांगे करे। बहू के कान में घेर दी, अपने बाप से कहवेगी तो ससुरे को सारा मारेगी देवेगा दे दिया। पर कहिए ना बस, मैं एक बार और कह रहा हाथ के बारे मांग ही ना लिया, कह दी मैंने तो एक बार बेर बेर थोड़ी कही जा, जैसा देना होगा एक बेर के कहने से दे होगा एक बार की तेरी सुन नहीं। चलो ठीक है चाय पीनी है प्यादे तेरी राज्जी और प्यादे चल ले लाऊं बड़ा चल लिया आग तो बड़ी बड़े से जी दहेज मिल जा सारे काम दुआ में दहेज ले जी कर दहेज को पता ना कहाँ ले जाए एक भी कमर नहीं सी इसे दहेज में मुंह तो गड़बड़ दुआ पिताजी। राम राम। राम राम। सुनिए तेरे के जी। हाँ पिताजी। तू बहुत पढ़ी पाया क्या कहते अपनी माँ को, अब मैं कह रहा था जय अब हिमांशु की साड़ी तेरे ब्याह करे, बात तो करी ही तुमने। अरे बेटी चोद में बात करी तेरे जूते इतने मारू का है ठीक है, तो तूने कहते मेरा उस पर दिल आ रहा मैं कर लू माँ मैं मजे चाह तो मेरे ऊपर गिर दी वह मेरे ऊपर चढ़ी गई राशन पानी ले गया कि तू तो वहां मरी बैठा। तो फिर क्या करूं अब करवा दो ना तुम। एक शर्त पे हो ब्याह। बताओ पिताजी कौन सी शर्त है? दहेज नहीं लेना
और तेरी माँ दहेज लिए भी न माने नहीं। इब अपनी माँ को मना ले, जो दहेज तो चाहता हो तो ब्याह की टाल, और ब्याह चाहता हो तो अपनी माँ को मना ले, दहेज नहीं चाहता। वह माने नहीं दहेज बिना। तो मुझे दहेज की जरूरत ही ना, माँ क्या करेगी दहेज का? पूछ पूछते क्या करेगी? चाहिए मुझे बहू लानी है मुझे, दहेज का करना की? बहू से बताइए यह बात। बहू तो बतानी, बहू तो नहीं बतानी, अपनी माँ को बतानी। ओहो माँ को, चलो माँ को बता दूंगा। माँ को बता अपनी। एक बात बताओ पिता, हाँ, एक बाप अपनी लोंडिया को दे देगा, उस तक दहेज भी लेगी? मजे की छिन जा रहा है, हम ब्याह करवा दो, ब्याह हो जाएगा, ब्याह चीज मुझे बहू ला दो। सारे तेरे जितने तेने मारूंगा बहू, उठ के खड़े हो, अपनी माँ पे चांग बोल जाके उसके हाथ में। आरती आनी है बापू। आरती जी बाबू जी, किसे नु कहते हैं यहाँ से के कुर्सी मेज भी ना आ जा, आरती आ जाएगी। मैं नु कह रहा हाँ, आरती लानी है। आरती आ जाएगी पर ढंग में रह लो। असर तो दिख रहा, असर दिख रहा प्लान का बढ़िया, ये कुकरो भी करके ठीक रहूंगा साला, ये तो सब खराब। आज तेरी बात देख रही हूँ मैं। अरे माँ तन्ने तो मैं फंसवा दिया। क्या होगा बता, नू कह रहे दहेज में दो ट्रक देंगे और भर भर के वैसे हैं, नू बता यहाँ कहाँ खड़े करेंगे? क्यों बकवाद कर रहा ज्यादा, दो ट्रक दे देंगे मैं, माँ को मस्का लगा रहा, दो ट्रक दे देंगे बस। ले कोई बात ना, यू बरामदा पड़वाना पड़ जाएगा ना, तो कुछ नहीं मिले, ब्याह भी जब ही कर रहे हैं। झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, तुमका बापू कह रहा ब्याह की नहीं है? सारे में बात बढ़ाता फिर रहा, तेरे कान पाड़ के गुद्दी पीछे लगा दूंगी, सुधर जा। तो नू कह रहा दो टिरक के आ रहे देने के लिए। सच में मां ट्रक की बात हो रही है? ऐसे भी करोड़पति है जो तुझे दो टिरक दे देंगे? पता थोड़ी है मुझे ना, पहली रिश्तेदारी हुआ। बापू ने ट्रक की मांग, उसकी दहेज की मांग कर दी, अरे ट्रक को कहने लगे अब। तेरे बाप ने? हाँ। तेरे बाप ने दहेज की मांग कर दी? उसके टैटवे से आवाज निकलती ना, वो दहेज मांग ले होगा। दहेज के नाम पे चुप कर, फालतू बोल रहा, बोलन तो दे रही ना, बोलन ना दे, सुनेगी पूरी? मनु कह रही लंबी लंबी फेंकने की टाल कर ले, जो मेरे पे लपेटी भी ना जा रही, सुध की बात कर ले कोई मेरे दौर बैठ के। मजाक से हटके मैं बात कह दू? अरे कह वे भी, क्या कह रहा है तू? मैं न्यू कह रहा वे भी आप जब करेंगे, जब हमें वो ट्रक दे देंगे, न्यू कह ट्रक देने ही पड़ेंगे। अब बताया दहेज ले में या फिर इस बरामदे को पड़वा में? तुझे तो मजाक लग रही होगी अब भी। जब इसमें को ट्रैक्टर लिखट जाएगा तो ट्रक भी लिखट जाएगा, पड़वाने की क्या जरूरत है? दिख रहा नहीं तुझे कितना बड़ा गेट है? अरे माँ गेट बेशक बड़ा पर ऊपर अड़ेगा, कुछ भी ना अड़ा, ट्रक दे रहे हैं वे, इनके धरे बस के ट्रक देने, मोटरसाइकिल दे दिया वे। अकेली लौंडिया है वो कुछ भी दे सके। तेरे दौरा आया के इसका फोन लगा ट्रक दूंगा। बात हुई मेरी, मैं बात कर रहा आरती से तो उसके पिताजी बात करने लगे। ठीक है ट्रक दे देगा तो, पहले भी आका भी औसत लिखट जाएगा, ट्रक दे देगा तो वो बहुत बढ़िया। खड़ा कहाँ करेंगे इस घर को पड़वा रहे हैं? मेरे सिर पे खड़ा कर दिए करे जा, कहाँ खड़ा करेंगे? तो सर पे आ जाओगा, टायर भी बढ़ाते रहते, बहुत खर्चा हुआ है ट्रक में, क्या करेंगे उस ट्रक का? तो बता, हम तो ससुरे में गोबर ढोवाएंगे। गोबर भी ढोओगे, उसका टायर भी होगा ना, तो कबाड़ ही खड़ा रहेगा, कबाड़े में जाओगा फिर। चल चुप हो जा, दिमाग ना चाटता मेरे, मुझे पता कैसे ट्रक देंगे। तू एक काम कर, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा तू बापू ने भेजा पढ़ा के, है ना? बापू ने भेजा ना पढ़ा के? मुझे कि बापू भेजता। अरे जहाँ तुम सोचो ना वहाँ तो मेरी सोच खत्म हो जा। नहीं तो मुझे पता, सोच तो कैडी है मेरी माँ, तू ब्याह हो जान। अरे तो मैं क्या रोक रही हूँ तेरे ब्याह को? या मैं मांग रही हूँ उनसे दहेज? मैंने तो अपनी पांच चीज मांगी है, तेरी गुटी चैन मांगी है, अब घर का सारा सामान, फ्रिज कूलर पंखे, ये बस और की मांगा मैंने, ज्यादा करेंगे बस एक एक गाड़ी दे देंगे बस, चार पहियों की, और के गाड़ी वाड़ी हम ना ले रहे, गले की चैन और यही चीज तो चाहिए, वो धरा रहे होगा घरू। पैदल खचेड़ेगा अपनी माँ को, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं घूमने मथुरा वृंदावन। गाड़ी भी हम खरीद लेंगे, दिक्कत न ले, इतना तो कमा ले हमारा बापू ने बतेरा कर रखा, यू घर बाहर जो खेत बने हुए वैसी हैं, बाइक दिलवा रखी वो हल्के में ले रखी। अरे इतना सम्माल मेरा, बाहर से भी कुछ आन देगा इस घर में को ना आन दे? किसी
की चीज पे नियत ना डालते, मेरी माँ सुन ले। अरे नियत क्यों डालते, करोड़ों का लाल दे रही हूँ उसे, नियत नु ही डाल रहे हो। मतलब मुझे बेक रहे तुम? बेक तो काहे हो, करोड़ों का लाल बता दी तुमने। हाँ तो करोड़ों का ही है, ब्याह कर रहे तो। अरे वे अपनी लोंडिया को हमें दे रहे, मैं जमाई बन के रहूंगा क्यों? हाँ ना वहां नहीं रहने दो, रखूंगी अपने दोहरे अपने दोनों बेटे को, वहां क्यों रहने दूंगी। तो फिर ब्याह जान दे, दहेज की मार टाल। बहू बहू दिख रही है तुझे और नहीं दिख रहा कुछ भी? तू भी दिख रही है मुझे तो? नहीं बहू बहू दिख रही है बस, बहू ले ले और दहेज मिलो या मत मिलो। भाई मारी माँ को दहेज चाहिए, कर ले चल जैसा करो कर लो ना, तेरी चीज मैं बनवा दूंगा कमा के। ओहो बहुत कमेरा तू तो, देखे के तू इतना कमा ले, रहन दे तू बस। जब कमाऊंगा ना तेरी भी चीज बनाऊंगा, बापू की जुत्ती कटवाऊंगा, ओ बनवाऊंगा। इतना ही कमाई है तुझे बापू की जुत्ती कटवावे? अरे कमीना गुट्टी भाई जुत्ती पहरागा क्या वो? अरे माँ नहीं बनवा दूंगा, तू चिंता ना करे। चल ठीक है ठीक है कर ले भैया। दहेज का जिक्र मत छेड़िए, मैं बापू को पटाऊंगा। यूं छोरा ना लेंदे कुछ भी ब्याह में, ऐसा इसका बाप है ऐसा ही हुआ, दोनों ही दहेज को मना कर रहे हैं। अरे उत्ते हुआ होगा तो घर में कोई, मैं छाती पे धर कर ले जाऊंगी, सब तमें ही करके जाऊंगी। चलो फेर लो फेरे जैसे भी फिरते हो। राम राम, ठीक ठाक है बेटा? अच्छा कौन आ रहा? अच्छा हमारे समझिया लग रहे, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा आने दे बस, ठीक है तो ठीक है बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ अभी आए नहीं, पहुंचने वाले होंगे बस, ठीक है आ जाएंगे बेटा, ठीक ले बेटा आ लिए, ठीक है नमस्कार, ठीक है बेटा। हाँ सर कुमार जी बैठो, ठीक है बैठो जी बैठो। और सुनाओ? बढ़िया जी। और सुनाओ सब ठीक ठाक जी? सब सब बढ़िया जी, आप बताओ। हमारे बच्चे बच्चे सब बढ़िया जी? सब बढ़िया, खेती बाड़ी बताओ। बस सब बढ़िया, आपका आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है जी, सब ठीक चल रहा जी। बस हमने सोचा बस कितने दिन हो गए जी, बहुत बढ़िया करा जी, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार पर पधारे जी, बहुत बढ़िया। और सुनाओ? बस सुनाने को तो यू है, वो पता नहीं धाकड़ उसकी अपनी भाभी गैल के सेटिंग कर रहा, उन्होंने कह रहा कि मेरा भी ब्याह करवाओ। अच्छा हाँ तो वो आपकी उसमें के राज्जी है फिर? मेरी राज्जी तो नहीं है, हमने तो बड़ी बहू देख ली, उससे बढ़िया मैं धरती पे नहीं मिला। उसकी छोटी बहन का भी ब्याह हो जाएगा तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं दिल तो चाहू भी नहीं हूँ दोनों बहन एक जगह। ऐसा है जी, ना आपको कोई दिक्कत आई आज लो, और ना हमें कोई दिक्कत आई, ना बालकों की तरफ से आई, ना आपकी तरफ से आई, ना हमारी तरफ से आई, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ना, ठाकर जो है बालकों का ब्याह कर देंगे। ठीक है जी, बस ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। राम राम बेटा। बेटा लिया चाय? चाय गिलास में लाई बेटा? नहीं पिताजी दूध है। दूध लिया तो और बढ़िया करा बेटा तन्ने, ठीक है जी दूध पियो। सतकुमार जी मेरी यह रिश्तेदारी देखो, चाय की बजाय दूध आ रहा है, उससे बढ़िया रिश्तेदारी कौन सी होगी? दो दो जी, आप नहीं सब लेंगे, आप लो पहले जो राम करना। मम्मी हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, फोन कर लेती तो ठीक, अपनी मौसी का भी पता ले लीजिए। हाँ वह बहुत याद करे थे तुझे। हाँ और सुनाओ? और महिला कोई सेवा हो जी? अजी सब सेवा ही है, अपना ही संबंध बन जा, ये संबंध बढ़िया चल जाए, इससे बढ़िया और क्या सेवा है? राज्य खुशी रहे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और मान लिया दे ले दे कुछ और बढ़ जाए रोज झूठ, वो कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ना में संबंध होते, कुछ फायदे नहीं होता ना। बिल्कुल सर। बस मैडम तो कोई बात ही नहीं, लड़की पसंद है अब तो जिस दिन भी आप कह दोगे हम तो ढाड़ी कर लें। बस ठीक है जी, लड़का हमें पसंद है और अपना मुहूर्त दिखवा गया पंडित जी पे और ठाके अपना शादी कर देंगे जी। बस जो राम करना।
मीठा खाना कर कट्टा ला रखा ने इन्हें दिखाई तो देता इन्हें बाल को उठावे ने अपना कूट दे जी इसमें आरती तुझे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? ना दी, कोई दिक्कत परेशानी ना, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मन लग रहा है ना तेरा? बहुत। चल तो ठीक है, तू खुशी से रहना और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, अगर मुझे भी ना बता पाए तो माँ जी को बता देना। ठीक है, बता दूंगी। ठीक है, और सब बढ़िया? चल ठीक है, तू काम वाम देख ले, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है। चल अच्छा है, इसका मन तो लग रहा है, मुझे तो ये टेंशन होती है इसका मन लगेगा या नहीं लगेगा। चलो ठीक है, सब अच्छे से हो गया। अरे आरती, अरे कहाँ रहेगी, जल्दी आओ रखू। हाँ जी, आ जा। आई। पूरा ही ले रही है गेट बंद करके। क्या कह रहे हो जी? मैं नहीं कह रहा, आ जा तुझे घुमा के लाऊं, ब्याह का फील तो ले लूं। मम्मी पापा है नहीं घर पे, क्या कहेंगे? अरे वे कुछ ना कहने के, वे तो चाहवे भी नहीं है कि घुमा के लाओ। बैठ जल्दी। तुम भी ना। बैठ गई? बैठ गई। चले फिर। चलो। हाय हाय, अब लगा जी सा लुगाई मेरे साथ बैठी है। यार जिंदगी ने भी किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। मौसी आ गई, कितना भी काम कर लो इन्हें समझ में आवे नहीं। शायद इन्हें ये भी लगता होएगा गन्ने वन्ने गेर के आऊं, कुछ पैसे इधर उधर ना कर लेता हूं। ये मौसी माँ जैसा प्यार तो नहीं दे रही मुझे, और बापू क्यों, बापू नहीं समझता। बापू को भी तो समझना चाहिए, मैं अकेला कैसे करूं, जिंदगी परेशान हो रही है। इधर देखो इधर खाई, इधर देखो इधर खाई, बीच में तो मेरी तबाही आ रही है ना। चलो जैसे भी पिताजी करेंगे वो ठीक है, या एक बार न्यारी हो जाऊं। सॉल्यूशन तो यही है इसका कि न्यारा हो जाऊं, सब टेंशन दूर हो जाएंगे। हाँ भाई मनसु, बता की दिक्कत है, क्यों बुलाए थे हम सब? पिताजी मन ने इसलिए बुलाए हैं कि मैं यू चाह रहा हूँ कि न्यारे हो जाए हम। कोई दिक्कत नहीं, न्यारे हो जाओ, पर मेरा तो एक कहना, बस बिना लड़ी लड़ भी न्यारे हो सके। कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहती, न्यारे हो जाओ शौक पे। 40 बीघे जमीन है, वादी आदि घर कोई सही रख लो, जोड़ से का जी करता हो, घेर जोड़ से को बढ़िया लगता हो वो घेर रख लियो, और बाकी थारी माँ जाने तू बता दे के करे। ठीक है, 40 बीघे जमीन, 20 बीघे तेरी, 20 बीघे इसकी, घर पड़ा घेर पड़ा, एक घेर में रह लियो एक घर में रह लियो, ठीक है? और भैया न्यारा किस्सा हो रहा, तू ले तेरी बहू को दे दूं घर की चाबी ले। माँ जी मुझे क्या जरूरत है इसकी जब तक आप हो? अरे ना तो संभाल अपने चाबी को, हमें बता दो हम क्या करें। भैया हमें तो अपने 2 रोटी चाहिए, और हमें तो 2 रोटी दिए जाइयो। जी आपने चाबी मुझे क्यों दिलवा दी माँ जी से? पिताजी बताऊंगे, पिताजी कहेंगे जो भी कहेंगे, मैं क्या कहूँ? अरे भैया तू ही तो न्यारा होने की कह रहा, पिताजी क्या कहेगा? हमने चाबी घर की तेरी बहू को दे दी,
करो और खाओ। भाई मारी ड्यूटी हुई खत्म। ये जिम्मेदारी है थारी दोनों की, इन्हें किस तरीके से रखो दोनों। मेरी ड्यूटी खत्म, तेरी माँ की ड्यूटी खत्म, हम तो सिर्फ देखेंगे तुम मतलब कैसे संभालोगे इस काम को। काम को करो, ये दोनों बहन तुम दोनों भैया हो, बस बात खत्म। हमारा के आज हमारा कल अपन दूसरा दिन। लेकिन माँ जी जब तक आप बैठी हो तब तक हम कैसे संभाल सकते हैं जिम्मेदारी। कोई बात ना बेटी, हम अपना छापी से मार कुछ दिन। हाँ, जब समय से मार तैयारी, अब तू से मार ले। माँ जी अभी तो आप ही हो ना, जो भी कुछ हो। कोई बात ना, खूब दूध पी तो मोटी हो जा पी भी। हाँ। दूध पी तो खूब, अब ना रखू तुझे दूध पीने को। अब भी नहीं आ रहा होगा क्या? ना अब कोई विचार नहीं है। तू होता हो तू बता दे। मैं अजी पिताजी मैं काहे को होऊंगा। अरे माँ मुझे ना पता मुझसे भी ऐसी हुए करे, मैं तो तेरे बारे में बहुत गलत सोचे करा, पर तू तो सगी माँ से भी ज्यादा प्यार कर रही है। एक काम कर बप्पू। अच्छा तू भर दे प्रधानी का फार्म। अच्छा मेरी तो यही प्रधानी, तुम मिल के रहो, इससे बढ़िया प्रधान में कहीं नहीं रह सकता। तो फैसले सही करवावे एकदम। अरे किसी बात कर रहा, घर की समस्या कुछ समझा दिया तो फैसला होगा, ये फर्ज था मेरा। घर से बड़ी भी समस्या हो गया कोई? बस जिसने अपने घर को संभाल दिया उसने सब कुछ संभाल दिया। सबसे बड़ी प्रधानी तो अपने घर की है। जिम्मेदारी हम पे आ गई, अब तो हमें देखना सब कुछ खड़ा हो। तो ध्यान दे। हाँ अब तो जिम्मेदारी भी हमारे पास आ गई है। ठीक है माँ जी हम खाना वाना बना ले। बना लो और बता। बस क्या बताऊँ, अब देखिए टाइम से उठेंगे। हाँ। टाइम से काम पर जाऊंगे ना, हम के चाबी को खाते हैं, जायदाद को खाते हैं, सौंप दे इन पे अपना। डैड करी खत्म। हाँ तेरा बहुत बड़ा आसान इस जीवन। मैं समझाती ना रही था, मैं जब से मग मैं कैसे छाती पे ले जाऊंगी धर के। अच्छा। काम को ही तो कह बहती मैं बनु ही तो कह बहती हिल्ला कर लो और के कह बहती मैं। चल सब गैर मच्छी जब होगा सब भाईश्वर, ऐसी कोई स्थिति हो तो सदबुद्धि हर इंसान। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राजवीर ने बढ़िया कर दिया। बढ़िया लौंडे थे, काम अच्छा कर दिया। राजवीर बहुत बढ़िया भाई, घर भाई वैसा और था भाई, एक कर दिया भाई, बहुत बढ़िया राजवीर। क्या भाई बचा लिया भाई? भाई बहुत बढ़िया है भाई। राजवीर के दोनों लड़के काम करने लगे और छोटे वाले का भी बड़े वाले की साड़ी लिया है। बढ़िया बढ़िया काम कर दिया भाई, घर भी बचा लिया भाई, बिगड़ता हुआ। बड़ी बहू भी बढ़िया और छोटी बहू भी बढ़िया। दोस्तों समाज में ऐसी स्थिति भी बहुत आदमियों के सामने आ जा कि उसे दूसरी शादी करनी पड़ जा, और फिल्म को देख करके बताएं समस्या का समाधान कैसा लगा। नमस्ते जी। नमस्कार।